ये तो जब बुद्ध उस ज़माने से कहा जाता है बुद्ध जमाने से जैसे यस्मूल्यशीनों से बारहवी का इस वंदना में कहा जाता है ये पूरी भूमि ही बुद्ध की भूमि है जहाँ देखो वहाँ बुद्ध ही बुद्ध नजर आते हैं तो बच्चे तो जैसे उनका एडमिशन करने के लिए जाते हैं तो उस समय उन्होंने लिखना चाहिए कि मेरे लड़के का धर्म बौद्ध है और मेरे लड़के की जाति बौद्ध है क्या तो ये तो भूमि है बुद्ध की भूमि है तो यही बुद्ध का शासन चलेगा तो ये अक्सर आना चाहिए ये लोग यहाँ आए बैठे हाँ कोई ना कोई सुबह जब भी आता है मॉर्निंग वॉक के लिए तो यहाँ तो बैठे जय भी महू पराग महेंद्र आप देख रहे इस वक्त हम लोग बुद्धगिरी में हैं और ये गोरेगा परिसर है गोंदिया महाराष्ट्र में हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन किया गया है और इसी के साथ साथ इस बौद्ध धर्म परिषद में मार्गदर्शन जिनका हुआ भंते जी हमारे साथ में कुछ सवाल करेंगे इस देश के अंदर में लगातार बुद्धिज्म को किस तरीके से नाबूत करने के लिए और लगातार विषमतावादी विचारधारा किस प्रकार प्रभाव हावी हो रही है और काफी सारे सवाल है उन सवालों का जवाब लेते हुए इस सीधा भंते जी से हम बातचीत करेंगे मंत्री वंदामी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर सबसे मैं पूछना चाहूँगा पहले कि आज यहाँ पर इस बौद्ध धर्म परिषद का आयोजन किया गया है क्या कारण है इस प्रकार की परिषद का आयोजन करना तो आज यहाँ तपोन बुद्धभूमि जो ग्यारह साल से ये जो धर्म परिषद का आयोजन करती है इसलिए इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी आए हुए जो श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं और जो जो आपके इस चैनल के माध्यम से जो श्रद्धावान उपासक और और भी जो भी धर्म प्रेमी है जो धर्मों को फॉलो करते बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को स्वीकार करके आत्मसात करके उन, उनको फॉलो करते हैं उन सभी का मैं आभारी हूँ तो ऐसे कार्यक्रम का हर साल यहाँ होना जरूरी है क्योंकि आज देखिए जिधर देखिए उधर ये तो बुद्ध पूरी जो जम्बुद्दीप जहाँ कहा जाता है ये तो जम्बुद्दीप उस जमाने से कहा जाता है बुद्ध जमाने से जैसे यसमूल्य निशिनो सब्बारी विजय का इस वंदना में कहा जाता है ये पूरी भूमि ही बुद्ध की भूमि है जहाँ देखो वहाँ बुद्ध ही बुद्ध नजर आते हैं तो इस माध्यम से ऐसे कार्यक्रम होना चाहिए और इस कार्यक्रम के कारण जो देहातों में रहने वाले लोग हैं उनको अवेयरनेस आ जाता है धर्म के माध्यम से उनको थोड़ी जागृति हो जाती है और उनको समझ में आ जाता है कि भाई धर्म को फॉलो कैसे करना चाहिए शिशु का सम्मान कैसे करना चाहिए और विहारों में कैसा जाना चाहिए त्रिशरण पंचील का ग्रहण अभी तक कहीं कहीं बहुत मुझे दुख होता है इस बात को कहते हुए कि अक्सर अभी भी कोई कोई देहात में गांव में जाते हैं तो वहाँ विहार नहीं है और कुछ समस्याएं बहुत सारी कठिन समस्याएँ है ऐसी सारी चीज़ें हैं तो इसलिए ये जो यहाँ के चिलाटी और गिधाड़ी के निवासी जो श्रद्धावान उपासक उपासिका हैं इन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित किया है इनके माध्यम से यहाँ थोड़ा जागृति का कार्यक्रम हो जाएगा लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी और ऐसे ही कार्यक्रम हर साल हर क्षेत्र में हर गांव में होना चाहिए और ये होगा तो लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न हो जाएगा और साथ ही साथ धर्म को मानने वाले लोग हो जाएंगे और ऐसे जो क्षेत्र है इसके कारण हमें भी थोड़ा गांव देहा तक जाने के बाद उनसे बातचीत करने के बाद उनको धर्म सिखाने में थोड़ी हमें भी दिलचस्पी होगी आनंद महसूस होगा तो ऐसा हो हाँ। आपको यह बताना चाहूँगा ये ये सवाल है कि हम जब देखते हैं बुद्धिज़्म को तो बुद्धिज्म का जो प्रचार प्रसार जो होना चाहिए था वो कहने की भारत में हमको देखने को नहीं मिलता इस देश का बहुसंख्याक लोगों को हिंदू बोलने के लिए या फिर हिंदू बताने के लिए उनके आइडेंटिटी ये मजबूर किया जाता है तो इसमें बुद्धिज्म किस प्रकार टिक पाएगा या आपको लगता है कि जो बुद्धिज्म जिस प्रकार का प्रचार प्रसार होना चाहिए था क्या इसके पीछे का कारण है नहीं हो पाया नहीं यहाँ ये न होने का कारण यही है कि अक्सर इनको भी पूछा जाए कि भाई आपको न तो बोलते हम यश है तो यश का मतलब क्या होता है तो परसों के दिन मुझे एक कोई एक उपासक मिला था और उपासक ही बोली है। तो बोले आ, मैं ये सी हूँ मतलब बोला भाई ये हो तो आप ये हो तो क्या हो बोले शेड्यूल कास्ट हो बोले शेड्यूल कास्ट हो तो क्या हो बोले मैं ये सी हूँ फिर ये आ गया मतलब शेड्यूल कास्ट में कितनी सारी जातियाँ आती भारत वर्ष के अंदर भारत देश के अंदर कितनी सारी जातियाँ हैं शेड्यूल कास्ट की बहुत सारी जातियाँ हैं तीन हज़ार से भी ज़्यादा जातियाँ हैं तो इसमें से आप कौन हो सीधे सीधा बोलिए ना मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ त्रिसरण त्रिसरण को शरण जाने वाला एक को ऐसा नहीं बोलते हैं और जैसे कि हमारे यहाँ जो ये जो जिसे हम हिंदू बोलते हैं तो अक्सर आज भी कई लोग हैं जिनके लिविंग सर्टिफिकेट है उसमें भी हिंदू लिखा जाता है तो हिंदू ना लिखते हुए बौद्ध लिखी है क्योंकि आपको बौद्ध लिखने से भी जैसे कोई कोई बोलता है कि अरे आप बाहर लिखोगे लिखो तो आपको शेड्यूल कास्ट लिखोगे तो आपको सहूलत मिल जाएगी जो भी एजुकेशन सहूलत सहूलत होती है वो मिल जाएगी अगर आप नहीं लिखोगे तो नहीं मिल जाएगी तो जैसे कि कोई कोई हमारे जो बड़े बड़े राजकारणी लोग होते हैं वो भी बोलते हैं नहीं नहीं आप महार ही लिखो या हिंदू ही आप महार हैं तो हिंदू है और जब बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मांतर किया है हाँ हिंदू धर्म का त्याग करके बौद्ध धर्म स्वीकारा है और उसी समय हमारी जात भी बदल गई और धर्म भी बदल गए तो ये लिखने वाले आज भी वैसे ही लिखते हैं महार लिखते हैं और धर्म भी हिंदू लिखते हैं ऐसा होता है हम जब देखते हैं कि देश के अंदर में बहुत सारी जो समस्या है लगातार बढ़ती है उसमें सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है हिंदू मुस्लिम को लेकर यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि आने वाले भविष्य में हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे आपने शुरुआत में ही कहा कि ये देश बुद्ध की भूमि है तो कैसे साबित करेंगे इसको क्योंकि इस देश के अंदर में जो लोग सत्ता में हैं वो लोग तो मजबूरन ये कह रहे हैं और ये जबरन ये भी कह रहे हैं कि हम तो हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे कैसा टिक पाएगा बुद्धिज्म ऐसे में देखिए जैसे कि ये लोग बोलेंगे बोलने वाले के मुंह तो नहीं पकड़ पाते हैं और वो अपने तौर से कर पाएंगे ये भी उचित नहीं है और करने का प्रयास भी करेंगे फिर भी तो होना चाहिए ना इतनी सारी जनता है सभी थोड़ी होंगे तभी हिंदू थोड़ी होंगे हम हमारे जैसे को बोलेंगे आप हिंदू नहीं है, हम तो कभी नहीं बोलते हम तो पहले से ही बोलते हम इंडियन हैं भारत के नागरिक हैं बाबा साहब भी बोलते हैं हम भारत के नागरिक हैं तो हम भी भारत के नागरिक हैं लेकिन जो बाबा साहब ने धर्म का स्वीकार किया था उनके बाद हमने भी धर्म को स्वीकार किया बुद्धिज़्म को स्वीकार किया और धर्म का प्रचार करते प्रसार करते हैं जैसे ये लोग हैं तो ये इनको पूछे तो बोलते कि नहीं हमारा तो धर्म अलग है और वास्तविक अभी क्या बताए बताने के लिए बहुत सारा है लेकिन इन्होंने ये समझना चाहिए कि हमें किसी भी हालत में जैसे छोटे छोटे बच्चे तो जैसे उनका एडमिशन करने के लिए जाते हैं तो उस समय उन्हें लिखना चाहिए कि मेरे लड़के का धर्म बौद्ध है और मेरे लड़की की जाति बौद्ध है तो इससे परिवर्तन हो जाएगा हम जब देखते हैं कि देश में जब पूरे चौरासी हज़ार बौद्ध विहार यानी कि सम्राट अशोक ने अपने समय में बनाए और आज हम वर्तमान में देखते हैं कि कहीं पर हमको वो नज़र नहीं आते या फिर हम कहते हैं कि वो हमारी विरासत है लेकिन हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ऐसे में इन तमाम विरासत को किस प्रकार बचा पाएंगे जैसे भी ये भी एक तपोभूमि है और ऐसे में जैसे भी बहुत सारी लेनियाँ हो गई आ, कारले गुफाएं हो गई बहुत बड़ी बड़ी लेनियाँ पूरे भारत के अंदर में बुद्धिज़्म के एक कल्चर हमको देखने को मिलता है इसका संरक्षण कैसे हो पाएगा जबकि आज वर्तमान में उनका संरक्षण हम कहीं देखने को

शासन चलेगा तो ये अक्सर आना चाहिए ये लोग यहाँ आए बैठे आ? कोई ना कोई सुबह जब भी आता है मॉर्निंग वॉक के लिए तो इधर आओ यहाँ बैठो दस मिनट चर्चा करो धर्म के बारे में बताओ हाँ तो ये होगा तभी तो टिक पाएगा बाबा साहब का एक सपना था कि वो प्रबुद्ध भारत इस देश को बनाना चाहते नहीं थे नहीं नहीं। बाबा साहब ने कब सपना देखा ठीक है ठीक है लोग कहते हैं मैं नहीं कह रहा हूँ लोग कहते हैं कि बाबा साहब का सपना था कि प्रबुद्ध भारत बनना चाहिए आ, ये देश है बुद्ध की भूमि है तो तमाम लोगों ने अधिक से अधिक बहुसंख्याक लोगों ने इस देश के अंदर बुद्धिज़्म को अपनाना चाहिए क्या लगता है यह जो सपना है या फिर ये बात जो है ये सफल हो पाएगी क्या लगता है भविष्य में आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने जो खुले या से देखा वो सपना आप बोलते है सपना है हाँ। तो मैं यही कहता हूँ कि संविधान के माध्यम से बाबा साहब आम्बेडकर ने पूरे भारतवर्ष के लोगों को हिंदुज़्म छोड़ के बुद्धिज़्म पढ़ाया है जैसे जो घटना है घटना में पूरा पूरा बुद्ध का पंचशील दिया है और सभी लोगों को मैत्री भाव ने सिखाई है धर्म धर्म निरपेक्ष राज्य घटना दी है इसलिए तो कोई मतलब ही नहीं होता है कि वो कितना भी प्रयास करे हा? कि जो चाहिए वो जिनका उनकी मनीषा जो है जो ब्राह्मणीकरण की है वो मनीषा पूरी नहीं होगी तो और तमाम हमारे जो विवर्ष है और साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से आ, क्या संदेश देना चाहेंगे आप और जो लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं बुद्ध को मानने वाले तमाम लोगों को भाई सभी जो व्यूवर्स हैं उनसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप बुद्धिज़म को फॉलो करो और ही एक ऐसा हमें धर्म है कि जो हमें सुख दे सकता है और हमारे सभी जो जिसे हम कहते हैं कि हमें जो चाहिए हमें सुख चाहिए सुविधा चाहिए वो सारी चीज़ें वही मिल जाएगी तो बाक़ी धर्म को अगर मानोगे तो आपको कई बार देखा होगा आपने आपके चैनल के माध्यम से और कोई नेशनल चैनल के माध्यम से तो आपको मंदिर में आने के लिए मंदिर जब घुसते हो तो आपको बाहर निकाला जाता है कोई दूल्हा घोड़ी पर बैठता है तो उसको उतारा जाता है उसको मार जाता है लेकिन बुद्धिज़्म में ऐसा नहीं होता है बुद्धिज़्म में कोई भी हो वो मैत्री भाव से ही या समानता के अधिकार से ही वो अपना कार्य कर सकता है ऐसा है शुक्रिया तो आपने देखा किस प्रकार हमने जो सवाल किए उन सवालों के जवाब यहाँ पर आपको मिल चुके होंगे किस देश के अंदर में लगातार एक विषमतावादी विचारधारा काम कर रही है ऐसे में समतावादी विचारधारा किस प्रकार संघर्ष कर रही है अपने वजूद की लड़ाई किस प्रकार लड़ रही है अपनी विरासत को किस तरह के संरक्षण करने का काम कर रही है इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या मंशा है क्या विचार है ये विचार आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताए बने रहे दत् के साथ तब तक के लिए जय भीम जय भारत बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें